सो वेलकम गाइस, जैसा कि जानते हैं कि एग्जाम आपका आ गया है और पिकलिंग से क्वेश्चंस आते हैं। पिकलिंग, पाइथन में पिकलिंग क्या होती है, पिकलिंग की बात करने वाले हैं। तो देखिए, पिकलिंग का मतलब है कि डेटा का फॉर्मेट बदल देना। जैसे कोई डेटा दिया गया है तो वो डेटा आपके समझने वाले फॉर्मेट में है, आपने उसे बाइनरी फाइल में बदल दिया तो वो कहलाती है पिकलिंग। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पिकल नाम के मॉड्यूल को इम्पोर्ट करवाया है और इम्पोर्ट करवाने के बाद एक लिस्ट क्रिएट की है बुक लिस्ट के नाम से, देख सकते हैं ना। अब ये जो बुक लिस्ट है, ये बुक लिस्ट जो है इसे मैंने ओपन करा है, ठीक है। और ये डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, डब्ल्यू बी का मतलब है राइट बाइनरी फाइल, यानी बाइनरी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में। अब ऊपर आपको ये दिखाई भी पड़ रहा होगा, ये देख सकते हैं ऊपर पाथ दिया गया है, सी के अंदर यूजर सूरज वन ड्राइव, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर ये जा करके स्टोर हुआ है, ठीक है ना, पिकल डॉट पी वाई के नाम से। देख लेते हैं कहां स्टोर है, तो ये देखिए सी के अंदर यूजर्स के अंदर ये देखिए यहां पर डॉक्यूमेंट्स मिलेगा आपको, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये है, ठीक है ना। तो जो आपकी फाइल है उसे मैं ओपन करके दिखा देता हूं, ये ऑलरेडी ओपन है, ये देखिए, ये देख सकते हैं ना, ये आप पढ़ नहीं सकते इसको, इसको पढ़ पाएंगे क्या आप, पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, ई ओ टी ई एस सी, ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है कि नहीं है। ये बाइनरी फाइल बन गई क्योंकि यहां पर हमने बाइनरी फाइल को यूज किया है, देख सकते हैं यहां पर देखिए, ये है ना डब्ल्यू बी राइट बाइनरी फाइल, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है बुक पिकल के नाम से, ठीक है ना। तो अभी जब हम इसको चलाएंगे तो फिलहाल तो हमें यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन एक फाइल बन जाएगी जो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है ना। और वो फाइल किस नाम से बनेगी, देखिए किस नाम से बनेगी, बुक लिस्ट के नाम से, बुक लिस्ट डॉट पिकल के नाम से, ठीक है। उसी फाइल को मैं एक्सेस कर रहा था, ये मिलेगी कहाँ आपको, ऊपर देखिए ये पाथ दिया गया, ये मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। तो यहीं पर ये मिलेगी। अब चूंकि ये पिकलिंग हो गई है, पिकलिंग हो गई यानी डेटा का फॉर्मेट बदल गया, समझ रहे बात को, डेटा का फॉर्मेट बदल गया। अब डेटा का जो फॉर्मेट बदल गया है उसको हमें क्या करना है, वापिस से हमारे समझे जा सकने वाले फॉर्मेट में लेके आना है, तो वो कहलाता है अनपिकलिंग। क्या कहलाता है, अनपिकलिंग। तो अभी हम अनपिकलिंग करने वाले हैं, अभी हमने पिकल किया, अब अनपिकलिंग करेंगे। देखिए ये पिकल जो किया, मैं फिर दिखाता हूं आपको, यहां से जाएंगे ना तो ये आपको मिल जाएगा, दिस पीसी हो गया और ये सी है, सी यहां पे देखिए ये सी है, सी ड्राइव, तो डबल क्लिक किया और यहां पर आपको मिलेगा, ये देख सकते हैं यूजर्स के अंदर, ये सूरज के अंदर यहां पे देख सकते हैं, यहीं पर आपको ये पिकलिंग वाली फाइल मिलेगी। तो इसमें जा करके आप इसको ओपन कर सकते हैं बुक लिस्ट डॉट पी के एल। तो यहाँ पे देखिए बुक लिस्ट, जैसे ही आप टाइप करेंगे ना, ये देखिए बुक लिस्ट डॉट पी के एल आ रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए इसको, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, ये देखिए बुक लिस्ट डॉट पी के एल आ रहा है ना, क्लिक कर दीजिए ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो ये जो है देखिए ये पाईचार्म के ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसी पे मैंने बाई डिफॉल्ट सेट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए यही वो फाइल थी ना, अब ये जो है बाइनरी फाइल बन गई है, लेकिन इसी को अनपिकल करना, ये बाइनरी में नहीं जैसा बनाया वैसा दिखना चाहिए, तो वो कहलाता है अनपिकलिंग। चलिए अनपिकलिंग कर दिया जाए, कर दिया जाए ना। तो चलिए अब अनपिकलिंग करा के देखते हैं कैसे अनपिकलिंग होती है, ठीक है। चलिए आइए अनपिकलिंग कराते हैं, ओके। अब जो पिकलिंग के लिए कोड लिखा था उसे मैंने पूरा कॉमेंट कर दिया, ठीक है। अब नीचे हम अनपिकलिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, अनपिकलिंग। मैं यहाँ पे कॉमेंट भी कर देता हूँ, अनपिकलिंग मीन्स चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा, Converting the format of data, convert into other format, that is called unpickling. Okay? So now original format में अब लेके आ रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे with, क्या लिखेंगे, with open, ठीक है, ये लिखा with open। अब हमारी फाइल जो बनी थी वो किस नाम से बनी थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं book list, book list, ठीक है, यही नाम था फाइल का ना, dot pkl, pkl, ये लगा दिया, फिर कॉमा दे देंगे, कॉमा देकर इस बार हम रीड करेंगे आरबी, यानी रीड बाइनरी फाइल। तो ये बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए, और यहां पे लगाएंगे एज, क्या लगाएंगे, एज क्या दे देंगे, देखिए ऊपर क्या दिया था हमने, बुक लिस्ट दिया था ना, बुक लिस्ट दिया था ना, और बुक लिस्ट के बाद क्या दिया था, बुक पिकल दिया था, बुक पिकल। तो यहां पर लिखेंगे बुक पिकल, पी आई सी के एल ई, बुक पिकल लिख दिया, कॉलन लगा दीजिए, एंटर करके नीचे आ जाइए। अब एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं माई बुक के नाम से, माई बुक के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और आगे क्या करना है, बहुत आसान है सारी चीजें, बहुत ध्यान से देखिए और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, गारंटी है कि एक नंबर नहीं कटेगा आपका कंप्यूटर साइंस में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखिएगा पिकल, सबसे पहले क्या करना है, पिकल डॉट लोड मेथड का यूज करूंगा, लोड, अब उस फाइल को लोड करना है ना, तो यहां पर आ गए,
अब क्या करना है, अब यहां पे लिखना है आपको, क्या लिखना है, बुक पिकल, जो माई बुक नाम से ऑब्जेक्ट बनाया उसी को प्रिंट करवा दिया है, रन भी करवा दिया है। आउटपुट दिखाऊं आपको, देखिए ये है आपका आउटपुट, यहां पर देख सकते हैं पाइथन जावा वीबीए लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा मुझे कमेंट करके जरूर, ठीक है।